नमस्कार दोस्तों, ये जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीटर है, इस ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीटर का जो पिकअप रबर है, पिकअप रबर को कैसे चेंज किया जाता है, पिकअप रोलर को कैसे चेंज किया जाता है, पिकअप रोलर में जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम को कैसे क्लीन किया जाता है, सारे कुछ हम इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आप अपने हाथों से खुद भी कर पाएंगे। तो यहाँ में इसको सबसे पहले इसको ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को बाहर को निकालना, इस पार्ट को कैसे बाहर को निकालते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, इस स्क्रू को खोलना है और नीचे में दो स्क्रू रहता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, ये दोनों स्क्रू खोलना है, अंदर में एक स्क्रू रहता है, बस उस तीन चार टू स्क्रू आप खोल दीजिएगा तो आप इस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए कैसे उसको किया जाता है हम आपको करके दिखाते हैं, आप भी खुद अपने हाथों से कर पाएंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो चलिए ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम अब बाहर निकालेंगे, यहाँ का स्क्रू खुला हो गया है, सिर्फ इसको आप निकालना है। तो सिर्फ सिंपल सा है, हम आपको दिखा दें, दो ठो पॉइंट दिखाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो यहाँ पे ये दो पॉइंट में से आपको सिर्फ यहाँ का काम करना है। तो चलिए इसको निकालना है, कवर है, इस कवर को आपको बैलेंस से पकड़ के रखना है, नहीं तो इस नॉब को आप अगर बाहर निकाल देते तो गिर जाएगा। तो इसको सिर्फ बाहर से इसको बाहर को खींचिए, ये बाहर को निकल आएगा, बस ये हो गया। तो देखिए खुल चुका है और ये जो पार्ट है इस पार्ट को पूरा पार्ट को अपने ओर खींचिए, खींचने से ये उधर से निकल के बाहर को चलाएगा। तो देखिए इस तरीके से बाहर को निकाला जाता है। तो चलिए इसको कैसे इसको खोल के दिखाते हैं, रबर को चेंज करना है या क्या करना है, सब कुछ आप कर पाएंगे, हम आसान तरीके से इसको दिखाएंगे तो आप भी कर पाएंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं, जो खोलना है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक टू स्क्रू है और यहाँ पे जो एक टू स्क्रू है, टोटल यहाँ पे चार टू स्क्रू आपको खोलना है। तो चलिए अब स्क्रू को खोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू खोला हो गया है और इसको सिर्फ निकालना है, सिंपल सा है निकालने का तरीका, इसको निकाल दिया। ये पेपर सेंसर है, इसको पेपर सेंसर कहा जाएगा, इससे पेपर को सेंस करता है। तो चलिए हम इस सारे सिस्टम को हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ठो साइड में दो ठो चीज़ आपको दिखा दें। तो देखिए आपको यहाँ एक यहाँ पे एक ठो लॉक है और इस साइड में एक ठो लॉक है, इसको उतारना है। तो चलिए हम आपको आसान तरीके से दिखा देते हैं जिससे कि आप भी उतार सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ठो गोल गोल घूम रहा है, इस नॉब को आपको निकालना है, सिंपल सा नॉब है, आपको दिखा देते हैं। इसको बाहर को ऊपर को और हो साइड से हो जैसे भी हो, ये ऐसा लॉक है, लॉक रहता है यहाँ पे, इसको ऐसे पुश करने से लॉक हो जाता है और फिर इसको ऐसे करने से निकल जाएगा। तो इस लॉक को निकाल देना है, तो इसको निकाल दिया और ये जो है बाहर को ओर ऐसे करके बाहर को ओर निकाल दीजिए, ये जो है बाहर को ओर ऐसे पुश कीजिए, बाहर को ओर चलाएगा। तो देखिए ये निकल चुका है, इसमें जस्ट देखिए इस साइड में एक तो स्क्वायर टाइप का साइड रहता है, स्क्वायर टाइप यहाँ पे बैठता है, हम बाद में दिखाएंगे, इस साइड में स्क्वायर टाइप है, इसका स्क्वायर टाइप देख कर आपको बैठना है, ये पूरा राउंड नहीं है, स्क्वायर टाइप है। तो चलिए इस साइड में वैसा ही सिस्टम है, इसको उतारना है, ये जो लॉक है इस लॉक को उसी तरीके से आप निकाल दीजिए, बाहर को खींचिए तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल चुका है, यहाँ पे एक स्क्वायर सा राउंड डीप किया हुआ है जहाँ पे ये बैठता है, ये और लॉक तो यहाँ पे बैठ जाता है। तो देखिए ये इसको फिर बाहर कोर कीजिए तो ये निकल जाएगा, इसको बाहर कोर किया निकल जाएगा, ये भी स्क्वायर टाइप है, ये पीतल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये निकल गया है। अब सिर्फ इसको सिंपल से इसको निकाल देना है, ये सिंपल सा है, बहुत
आसान तरीके से आप भी निकाल पाएंगे। तो चलिए आप यहाँ पे जो काम है वो हम आपको दिखाएंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो रबर है बिल्कुल अच्छा है, आपको हम फिर भी हम खोल के दिखाएंगे जिससे कि आप भी चेंज कर पाएंगे। और इसको हम थोड़ा साफ कर लेंगे, साफ करके हम फिर लगा देंगे। तो चलिए इसको कैसे खोलते हैं हम खोलना दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ठो लॉक उसी तरीके का लॉक है, इसको भी बाहर को ओर खींचिए तो ये निकल जाएगा। देखिए इसको हम बाहर को ओर किया, ये निकल गया। यहाँ पे एक घाट जैसे रहता है, यहाँ पे डीप किया हुआ रहता है, वहाँ पे ये बैठता है जिससे कि उधर इधर ये स्लिप ना हो, इसलिए इसको यहाँ बैठाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको निकालना है। इसको कैसे निकालते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाहर को ओर पुश कीजिए, बाहर को ओर चलाएगा। देखिए यहाँ पे पुश किया, बाहर को ओर निकल जाएगा। इस साइड में भी पुश कीजिए, ये बाहर को ओर निकल जाएगा। तो ये निकल गया। ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। इसको भी निकाल दिया, सिर्फ साफ करके फिर लगा देंगे। ये रबर का चेंज है, चेन है, इस चेन को निकाल दिया। यहाँ पे लगाए हुए रहते हैं इसलिए कि ये इधर उधर ना जाए, इस हिसाब से यहाँ को लगाया रहता है। तो इसको निकाल देना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसको बाहर को खींचिए, ये तो निकल जाएगा। तो देखिए इसको निकाल दिया। तो यहाँ पे एक छोटा हुईल रहता है, छोटा सा होल रहता है, इस होल में इसको घुसाया रहता है। तो इसको निकाल दिया। अब सिंपल सा है, इसको बाहर को लाइए। तो बिल्कुल ये जो रबर है पिकअप रबर, इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये टायर भी बाहर से खरीद में मिलता है, इस टायर को भी आप खरीद के चेंज कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेने से ही इसको फिर लगाया जाएगा। यहाँ पे कुछ गंदा लगा है, मतलब यहाँ पे कुछ सूता जैसा कुछ यहाँ पे लग गया है। फिर इसको निकालना है। या अगर गियर आपको टूट चुका है उसको भी हम खोल के दिखा देते हैं। वो प्लास्टिक का नॉब जैसा ही है, इसको भी आप बाहर पुश कीजिए, ये भी निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा हार्ड चीज़ से आपको निकालना पड़ेगा जिससे कि आप निकाल पाए। तो चलिए इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। ये जो है इसको यहाँ पे पुश कीजिए बाहर को, तो ये भी निकल जाएगा। देखिए निकल चुका है। यहाँ पे रिंग किया हुआ रहता है जहाँ पे यह बैठता है, तो ये थोड़ा प्रेशर से आपको बैठाना पड़ेगा, हाथ से नहीं होता है। अगर चाहते हैं तो हम हाथ से लगाया, लेकिन यहाँ पे प्लास का ज़रूरत होता है। प्लास से आप प्रेशर दीजिएगा तो लग जाएगा। तो मैंने हाथ से ही लगा दिया है। तो फिर हम खोल देते हैं। देखिए इसको खोल दिया, फिर इसको बाहर पूरी ऐसे करके लाइए। ये जो रिंग है ये भी उतर गया, मतलब ये जो गियर है ये गियर को भी हम निकाल दिया। अगर गियर टूट गया है आपका, यहाँ पे जो देखिए घाट रहता है, घाट अगर ख़राब हो चुका है तो आप चेंज कर सकेंगे। तो इसको निकाला, फिर इसको निकालना है। तो इसको निकालना है, जो देखिए यहाँ पे एक लोहा का स्टिक है, स्टिक को कैसे निकालना है आपको दिखा देते हैं। स्टिक का सीधा इस साइड में करिए जिससे कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जहाँ से ऐसे घुमा लेते हैं, तो ये ऐसे करेंगे तो आपको निकल जाएगा बाहर को। तो देखिए ये गिर चुका है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको बाहर को निकालना पड़ेगा। तो इसको लगाने वक्त इसी पॉइंट से आपको लगाना पड़ेगा जिससे आप भी लगा पाएंगे। लगा दिया और इसको हल्का सा घुमा दीजिए तो आपका ये जो स्टिक है गिरेगा नहीं कहीं पे। तो इसको खोलने के लिए इसी का जो साइड, इस साइड में ही आपको करना है। तो देखिए इसको खोलने के लिए आपको जो साइड चाहिए तो इसी साइड में आपको खोलना है। तो देखिए
सीधा इस साइड से माइनस कर लीजिए, तो आपको ऐसे करिए तो आपको नीचे वो गिर जाएगा। तो देखिए इसको हम गिराते हैं,